जब हर काम समाज के लिए ही है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो गया। ये कहना है हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, और सिर्फ इस एक लाइन में ही आरएसएस का पूरा मतलब छिपा हुआ है। एक्चुअली आजादी से पहले भी लोग अपने देश के अंदर ऊंच नीच जात धर्म को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। यही वो आइडियोलॉजी थी जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, और मुट्ठी भर लोग दूसरी जगह से आकर न सिर्फ हमारे देश में 190 साल तक रहे बल्कि उन्होंने हमें अपना गुलाम बनाकर रखा। अब जब यही बात डॉक्टर केशव हेडगेवार को समझ आई तब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक करके उन्हें हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ने का लक्ष्य बनाया, जिसके बाद 27 सितंबर 1925 को उन्होंने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना की। अब वैसे तो यह एक ऐसा संगठन है जिसने देश और देशवासियों के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस संघ पर हमेशा कुछ न कुछ एलिगेशंस लगते रहे हैं, जैसे कि ये एक गौड़सेवादी कौम है और इन्हें भारत का झंडा स्वीकार नहीं है, इसी तरह के और भी बहुत सारे। लेकिन क्या है इन आरोपों के पीछे की सच्चाई, आरएसएस करता क्या है, और सबसे बड़ा सवाल क्या आरएसएस ही हमारे देश को चला रहा है? चलिए सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। अब दोस्तों वैसे तो इस संघ की शुरुआत आजादी से 20 साल पहले नागपुर शहर में डॉक्टर केशव हेडगेवार ने की थी, लेकिन उस टाइम जहां इसमें सिर्फ 5 लोग ही थे, वहीं आज के टाइम पर इस संघ के पूरे देश भर में 1 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। और इस संघ के प्रमुख को सर संघ चालक कहते हैं, जो कि आज तक की हिस्ट्री में कुल 6 लोग बन चुके हैं, और फिलहाल इस पोजीशन पर मोहन भागवत जी मौजूद हैं। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आरएसएस की विचारधारा क्या है, कैसे यह संघ पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करती है। तो दोस्तों असल में यह संघ अखंड भारत की बात करता है, ऐसा भारत जो एक हो और एक ही विचारधारा में बंधा हुआ हो। संघ में किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती बल्कि उनके लिए सबसे ऊपर उनका ध्वज है और सभी मेंबर्स उसी को ही प्रणाम करते हैं। इसी झंडे के नीचे ही संघ के सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं, और ध्वज की प्रार्थना के बाद ही शाखा की कोई गतिविधि शुरू होती है। स्वयं सेवक इसी के नीचे ही एक्सरसाइज से लेकर बौद्धिक चर्चा तक करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भगवा ध्वज को ही संघ ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊंची जगह क्यों दी है? असल में एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मकसद हर तरह के करप्शन से संस्था को दूर रखना है। साथ ही भारत या फिर कई दूसरे देशों में ऐसे बहुत सारे रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके फाउंडर्स को गुरु मानकर उन्हें पूजने की परंपरा है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार संघ में ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भगवा ध्वज को ही सबसे ऊपर रखा। अब आप जब भी संघ के मेंबर्स को देखेंगे तो वो एक स्पेशल यूनिफॉर्म में होते हैं। वो हमेशा व्हाइट शर्ट, खाकी पैंट और खाकी सॉक्स पहनते हैं। वहीं इनके बेल्ट का रंग ब्राउन होता है और ये ब्लैक शू और ब्लैक टोपी पहना करते हैं। अब इनकी यूनिफॉर्म की पैंट शुरुआती दिनों में हाफ हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ उसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन की गई और 2016 से हाफ पैंट के साथ साथ फुल पैंट पहनने की भी छूट दे दी गई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आरएसएस आखिर काम कैसे करता है। तो दोस्तों असल में इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनको पावरफुल बनाना और उनके लाइफस्टाइल में सुधार लाना है। इस काम को आसानी से करने के लिए संघ की ब्रांचेस खोली गई हैं, जिसके जरिए हर जगह पूरे देश के लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है। संघ जिसकी शुरुआत नागपुर में सिर्फ 5 लोगों के साथ की गई थी, आज 42,613 अलग अलग जगहों पर इसकी करीब 68,000 शाखाएं हर रोज चल रही हैं, जो कि पब्लिक प्लेसेस पर लगाई जाती हैं। हर शाखा में एक हेड टीचर होता है जिसका काम बुजुर्गों को फिट रखने के लिए उन्हें एक्सरसाइज सिखाना, बच्चों को गेम खिलाना और भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को एजुकेट करना रहता है, ताकि उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में पॉजिटिव बदलाव आ सके। इन शाखाओं को सुबह और शाम के समय लगाया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनली सुबह और शाम को लगने वाली शाखाओं में मोहल्ले के बच्चे और युवाओं की संख्या काफी कम होती है। इसीलिए ऐसे यूथ जो नौकरी करते हैं या फिर किसी काम में फंसे हुए रहते हैं, उन्हें भी अपने साथ जोड़े रखने के लिए अब छुट्टी वाले दिन भी 1 घंटे शाखाएं चलाई जा रही है। इस 1 घंटे की ही गैदरिंग में इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें गेम, योगा, प्रेयर और सोशल इश्यूज पर डिस्कशन जैसे कई सारी गतिविधियां शामिल है। इसके अलावा एजुकेशन प्रोजेक्ट के जरिए भी संघ लोगों तक अपनी पहुंच बनाता है, जिसके लिए इसने देश के कई हिस्सों में सरस्वती विद्या मंदिर जैसे स्कूल खोल रखे हैं और इन स्कूल्स में संघ के ऑफिशियल्स भी पढ़ाते हैं। फिलहाल आरएसएस 35 से भी ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें देश की रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति और विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी इसी से ही लिंक्ड हैं। अब इंडियन पॉलिटिक्स में आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का कितना बड़ा नाम है, ये तो हम सभी देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस की ही देन है, क्योंकि अपने शुरुआती दिनों में वह भी इसी संघ से ही जुड़े हुए थे। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी भी आरएसएस से ही निकले हैं।
आज इस संघ से जुड़े लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पर बैठे हुए हैं और इस देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसीलिए ही आरएसएस को लेकर यह भी कहा जाता है कि यही संस्था पूरे देश को चला रहा है। आरएसएस में महिलाएं मेंबर नहीं बन सकती हैं, इसी वजह से उनके लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। इसमें संघ देश की औरतों को जोड़ने का काम करता है, उन्हें योगासन सिखाए जाते हैं और सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा आरएसएस मुस्लिम और सिख जैसे रिलीजन्स को भी जोड़ने में सफल साबित हुई है, जिसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में ही बात करेंगे। इसके अलावा साल 2001 में आरएसएस ने सेवा भारतीय नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जिसका लक्ष्य भूकंप, सुनामी, बाढ़ या किसी भी तरह की आपदा में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना और उन्हें मुसीबत से बाहर निकालना है। अब दोस्तों, जब से देश में आरएसएस की नींव पड़ी तभी से कई लोग इसके खिलाफ हो गए और इसकी विचारधारा को गलत बताने लगे। इन आलोचकों में देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी भी शामिल थे जिन्हें यह संघ बिल्कुल भी रास नहीं आता था। लेकिन इंडो चाइना वॉर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे नेहरू जी भी संघ की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। असल में उस टाइम तक सारी इंडियन आर्मी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में संघ के स्वयंसेवकों ने सीमा पर सेना के लिए राशन पहुंचाने के साथ साथ जिस रास्ते से सेना की गाड़ियां जाती थी उसकी सुरक्षा का जिम्मा भी संभाला। स्वयंसेवकों के कामों से प्रभावित होकर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1963 को रिपब्लिक डे के दिन परेड में शामिल होने के लिए उन्हें इनवाइट किया था और सैकड़ों संघ के स्वयंसेवकों ने उस परेड में पार्टिसिपेट भी किया। इसके अलावा कश्मीर सीमा पर निगरानी और भारत पाकिस्तान पार्टीशन से पीड़ित लोगों को भी आश्रय देने में संघ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संघ के मेंबर्स ने देश के बंटवारे के बाद अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर के सीमा पर पाकिस्तानी सेना की एक्टिविटीज पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। ये काम ना तो नेहरू माउंटबेटन गवर्नमेंट कर रही थी और न ही जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कर रहे थे। उसी टाइम पर जब पाकिस्तान की एक आर्मी यूनिट ने कश्मीर की सीमा लांघने की कोशिश की तो फिर सैनिकों के साथ साथ कई स्वयंसेवकों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए लड़ाई में जान गंवा दी थी। इसके अलावा 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल की गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से लेकर गुजरात के भूकंप और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ ने राहत और बचाव का काम हमेशा सबसे आगे रहकर किया। कोविड के दौरान भी आरएसएस ने देशवासियों की खूब मदद की और जब भी कोई आपदा आई यह हमेशा मदद के लिए आगे आते रहे। और दोस्तों, इनके सेवा कार्य में न सिर्फ भारत के लोगों को सुरक्षा देना शामिल है बल्कि नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी मुसीबत के समय उन्होंने अपनी पूरी मदद भेजी है। संघ के इन कामों की वजह से उनका देश प्रेम साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी काफी समय से आरएसएस पर ये एलिगेशंस लगते आए हैं कि इन्होंने भारतीय तिरंगे को नहीं अपनाया है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद अगले 52 सालों तक संघ ने भारत का तिरंगा ही नहीं लहराया था। और हाँ, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने भी आरएसएस पर यही आरोप लगाया। हालांकि 2002 के बाद आरएसएस ने झंडा फहराना शुरू कर दिया था और हर साल 15 अगस्त व 26 जनवरी को संघ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संघ ने 1950 से 2002 तक भारत का तिरंगा फहराया क्यों नहीं? अब दोस्तों, आजादी के समय से लेकर आज तक लगभग हर चीज में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आया है और इस बदलाव का असर आरएसएस की आइडियोलॉजी पर भी देखने को मिला है। जब आरएसएस की शुरुआत हुई थी तो उस समय उनकी विचारधारा देश को एक संस्कृति में बांध कर रखना था ताकि उन्हें कोई और भी गुलाम न बना सके। लेकिन जब इंडिया के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश के रूप में जाना जाने लगा तब संघ चाहने लगा था इंडिया को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हालांकि देश को पहले से ही सेक्युलर बनाने का प्लान था, इसीलिए उनकी मांग को रद्द कर दिया गया, जिससे नाराज होकर आरएसएस ने तिरंगे और संविधान को मानने से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद से संघ को पूरे देश में ही खूब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और अभी वो इस आलोचना से बाहर निकला भी नहीं था तभी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और जो कि गोडसे संघ से जुड़ा हुआ था इसीलिए लोगों ने आरएसएस का विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि आरएसएस ने उस समय ही क्लियर कर दिया था कि नाथूराम गोडसे काफी समय पहले से ही संघ आना बंद कर चुका था। लेकिन फिर भी उस टाइम तक किसी ने भी यह बात नहीं मानी और इस संघ को बैन कर दिया गया। हालांकि आगे चलकर आरएसएस की काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, इससे जुड़े लोगों से पूछताछ की गई, मगर जब इस संघ के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा तब संघ के ऊपर लगे बैन को हटाने की मंजूरी दे दी गई। उस टाइम से लेकर आज तक संघ को 3 बार बैन किया जा चुका है। पहली बार गांधी जी की हत्या के बाद, दूसरी बार जब इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि उस दौरान संघ जेपी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था जिसका मेन मकसद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना था। हालांकि इमरजेंसी खत्म होने के बाद से संघ से यह बैन हटा लिया गया था। और फिर उसी समय आरएसएस को सपोर्ट करने के लिए जनता पार्टी बनी थी जो कि इंदिरा जी के खिलाफ पॉलिटिक्स के मैदान में उतरी थी।
और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी जनता पार्टी के ही टूटने के बाद बीजेपी बनी, जो कि आज इंडिया की सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खड़ी है। इसके बाद से इस संघ पर तीसरा बैन 1992 में लगाया गया था, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, क्योंकि बताया गया कि इसमें भी संघ से जुड़े लोग शामिल थे। लेकिन जांच में इस यूनियन के डायरेक्टली शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए फिर से आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। अब दोस्तों, आरएसएस की आइडियोलॉजी देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए इनकी विचारधारा से बाकी धर्म के लोग नहीं जुड़ पाते हैं। इसी को समझते हुए संघ ने सिखों के लिए सिख संघ की स्थापना की, जिसकी अभी 450 ब्रांचेज हैं। इसके अलावा मुस्लिम्स को संघ से जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को बनाया गया, क्योंकि मोहन भागवत का कहना है कि हिंदू राष्ट्र मुस्लिम्स के बिना नहीं बन सकता है। ये देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। इसी तरह की बदलती सोच के साथ आज आरएसएस का एक्सपेंशन और भी ज्यादा तेज हो गया है, और पहले जहां इसे सिर्फ हिंदू धर्म से ही जोड़कर देखा जाता था, आज हर धर्म के लोग ही इससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। करेंटली संघ का क्रेज युवाओं में लगातार बढ़ रहा है। आरएसएस के दावे के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 तक 7 लाख से ज्यादा लोगों के संघ में शामिल होने की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, जिसमें 20 से 35 साल की उम्र वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, युवाओं के बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से ही संघ और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। वैसे इस संघ के बारे में अगर आपको भी कुछ कहना है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।